6 अक्टूबर थर्सडे जुमेरात का दिन, और आज हम आए हैं फिर से साइट का निरीक्षण करने कि आज क्या क्या काम हुआ है। और 7 तक काम पहुंचा है रोज़मर्रा की तरह, और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि काम थोड़ा ऑफ रह रहा था सैलाब के बाद से। अभी 3 ही दिन काम हुआ था, आज का 4th दिन 24 तारीख के बाद से, मतलब आज 6 अक्टूबर, आप देख सकते हैं कि 4 ही दिन काम हुआ है। और माशाल्लाह, लेकिन काम ऐसा लगता है कि जारी ही है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और आज जो है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा और आप देख सकते हैं कि ये सेंटरिंग लग चुकी है। ये 7 कॉलमों पे लगी है, नहीं 8 कॉलम पे, सॉरी 8 कॉलम पे ये सेंटरिंग लगी है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ लगाया गया है, और इसको सहारे के ज़रिए। और ये कॉलम भरना है, अभी मेन काम है कॉलम भरना। एक बार हो गए तो फिर दीवारों का काम चलेगा वो इतना, और बाकी जो है इसके बाद का काम, कॉलम भरे बाद का काम, ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि बहुत ही मजीद काम इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, दीवारों की रंगत वगैरह। अभी ऐसा ये बुनियादी काम रहता है सेकंड माले का, जैसा कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का बेस रहता है वैसे ये सेकंड माले का बेस अपन ये कह सकते हैं। ये वैसा फर्स्ट फ्लोर में काउंट होता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे सेकंड माला वगैरह लोग कहते हैं, लेकिन ये वह फर्स्ट फ्लोर ही होता है। और ये साइड जो है अब्दुल्ला पैलेस के सामने है, ये जो रोड है पैराडाइज रोड, जिससे सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर है। ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ VMB पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है, और राइट साइड की तरफ वल्गा रोड, जिससे सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है। वल्गा रोड लेफ्ट साइड की तरफ जो जा रहा है वो जा रहा है इतवारा बाज़ार राजापेट, और राइट साइड की तरफ MP वल्गा वगैरह जा रहा है। और गैबुशा अली सलाम की जो दरगाह है वहाँ से ये साइड क्लियर दिखती है, ये साइड से भी गैबुशा अली सलाम की दरगाह भी क्लियर दिखती है। ये साइड जो है 1500 स्क्वायर फुट की साइट है, जहाँ सर अवेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा और डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। ये साइट के जो इंजीनियर है सर अवेश खान है, और कॉन्ट्रेक्टर जो है मोहसिन खान सर है। और माशाल्लाह जो है बारिश जो है जारी रही, अभी रुक रुक के मुसलसल आ रही है मुसलधार बारिश, कम से कम आधा एक घंटा चल रही है, फिर रुक रही है, फिर आ रही है, माशाल्लाह कंटिन्यूसली बारिश भी चालू है। और आप देख सकते हैं कि अभी बाकी के कॉलम जो है वो उस पर भी कल अभी इसको भरा जाएगा, या कल और सेंटरिंग लगाई जाएंगी तो आगे पता चलेगा। अभी तो ज़्यादातर है कि इसको कल भरा जाएगा, फिर बाद में ये इसी को फिर निकाले बाद जो है, या फिर यह सेंटरिंग और होंगी तो उसको दूसरे कॉलम में लगाया जाएगा, तो ये कल पता चलेगा। बने रहे फिर हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।